रात को मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी शुरू करी 9:30 बजे के आसपास से, तो फोन नहीं उठा रहे थे वो। उसके बाद मैंने उनके जो पार्टनर्स थे सबको कॉल करनी शुरू करी, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि कुछ हो रखा है, आभास हो गया था मुझे। उसके बाद जितने में हम लोग जाते, भैया लोग जो हमारे बड़े थे वो लोग निकल गए थे लड़के रात को ढूंढने के लिए। उसके बाद उन भैया ने बताया कि 2 की गोली लगी है और एक जो बडोला था कि वो भाग गया मेरे पति के लिए, तो हमें लगा कि शायद से वो भाग गए होंगे, लेकिन वो भागे नहीं थे। 2 के प्रॉपर गोली लगी थी और 3रे मेरे पति नाले में सुबह मिले, जिसके लिए पुलिस वाले मेरे घर में पूछ के गए और पुलिस वालों ने हमें बोला कि हमने सर्च ऑपरेशन किया है। तो मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, सर्च ऑपरेशन कैसे होता है, मोबाइल की रोशनी से या प्रॉपर तुम्हारे पास लाइट्स होनी चाहिए ढूंढने के लिए? डेड उनकी बॉडी के साथ, डेड बॉडी बोलना पड़ रहा मुझे, उनकी बॉडी पैंट की जेब में ही, सॉरी शॉर्ट्स की जेब में ही उनका मोबाइल था। सर्वेलेंस में आ रहा था कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में है, तो पुलिस ने क्यों 1 किलोमीटर का दायरा सीरियसली नहीं ढूंढा? क्या उस एक जान की वैल्यू नहीं थी? पुलिस ने ये क्यों नहीं सोचा था कि जब 2 के गोली लगी तो 3रे की भी लगी हो सकती है, वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो सकता है, उसको ढूंढना चाहिए। ये सोचने के बजाय पुलिस ने हमें ये बोला जब हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, जो फीमेल ऑफिसर थी उन्होंने मुझे बोला, अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पति को, वो डर के छुप गया होगा, वो आ जाएगा सुबह तक आ जाएगा कि तुम जाओ। जब हम लोग और पूछने लगे तो उन्होंने बोला, अरे औरतों को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बोला, आप औरत नहीं हो क्या? आप मेरी भावनाओं को नहीं समझो, मैं पूछूंगी तो आपसे, तो आप मुझे क्लियरली बताओगे ना? उसके बाद हम लोग फिर यहाँ ढूंढने के लिए आए रात को, तो सब भैया लोग थे, हम लोग मोबाइल की रोशनी में ही ढूंढ रहे थे। सीओ साहब यहाँ पे थे, सबके पास गन थी, पुलिस ऑफिसर्स के पास, लेकिन एक के पास भी टॉर्च नहीं थी। तुम ढूंढने आए हुए हो रात को बिना टॉर्च के? अगर मैं बोलूं कि तुम दिन में ढूंढने आए हुए हो और तब मैं बोलूं तुम टॉर्च लेके नहीं आए तो मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम सर्च ऑपरेशन में आ रहे हो विदाउट एनी टॉर्च तो तुम मूर्ख हो, तुम ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो। मुझे फोन पे दिखा रहे, देखो 1 किलोमीटर के दायरे में तुम ढूंढो, मेरी दीदी को बोल रहे कि तुम ढूंढो 1 किलोमीटर के दायरे में। अबे तो तुम क्या झुंझुना बजाने के लिए हो? तुम लोग क्यों नहीं अपने इक्विपमेंट से ढूंढ रहे हो? तुम लोगों ने क्यों? और मुझे आप सुबह सीओ साहब फोन पे एक बंदा रिकॉर्ड करने लग गया तो रिकॉर्ड नहीं करने दिया? जब मैंने पूछा कि मुझे पूरी प्रक्रिया बताओ कि सर्च ऑपरेशन में क्या होता है, तो सीओ साहब मुझे ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी बहुत सारी यूनिट्स जब एक जगह पे मोबाइल की वो बता रहा था लोकेशन? तो तुमने सबको क्यों नहीं बोला कि सब इकट्ठे होके 1 किलोमीटर का एरिया खंगालो? मेन रोड के नाले में मेरे पति की बॉडी मिली है, मेन रोड के नाले में, किसी कोने कुचारे में नहीं, तुमसे वो भी नहीं ढूंढा गया। मैं अभी रायपुर में उस घटना स्थल पर हूँ जहाँ पर गोलीकांड 2 दिन पहले हुआ था। उस गोलीकांड में हमारा एक भाई कहीं ना कहीं उसका बलिदान हुआ, वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु जो 2 और घायल हैं जिन्हें महंत इंद्रेश अस्पताल में एडमिट किया गया है, आज इस घटना स्थल पर जाकर पता चला कि लोग यहाँ पर जो है धरना दे रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं, मृतक और जो घायल है उनके न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रशासन इतना लाचार हो चुका है, ये उत्तराखंड में ये सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि अभी तक जो हमने यहाँ पर बातें सुनी, पहले 307 तो लगी थी, परंतु अभी तक यह भी कंफर्म नहीं है कि क्या 302 आरोपी पर लगाई गई है धारा 302 या नहीं लगाई गई है। मैं रायपुर के थानाध्यक्ष जो है उनका नंबर लगा रहा था, उनका नंबर ऑफ आ रहा है। मैंने SSP को कॉल किया, SSP के जो PA हैं उन्होंने कॉल उठाया और ये कहा कि SSP अभी मीटिंग में है, और मैंने DM को कॉल किया, DM से बात हुई, परंतु मैंने DM को ये अवगत करवाया कि इंद्रेश अस्पताल में जो 2 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, ये दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का कि उन लोगों को अभी तक CT स्कैन उनका नहीं करवाया गया है। ये बहाना लगाया जा रहा है कि वहां पर CT स्कैन मशीन खराब है। इंद्रेश जैसे बड़े अस्पताल में CT स्कैन मशीन खराब होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, कैसे उन घायलों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, कैसे उन परिवारों को, कैसे इस समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है जो समाज इस वातावरण में रह रहा है, जिस वातावरण में ये घटनाएं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इतना लाचार ये
उत्तराखंड प्रशासन हो गया है कि यहाँ इस घटना स्थल पर अभी तक जिले की जो जिलाधिकारी महोदय है वो भी नहीं पहुंची है, यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो भी नहीं पहुंचे हैं। क्या पुलिस के भरोसे डंडे के बल पर आप इस आंदोलन को तोड़ना चाहोगे? क्या इन यहाँ पर बैठे जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनको डराना चाहोगे? क्या इन बांस के डंडों के बल पर इन्हें डराना चाहोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया की सबसे पहले ये जिम्मेदारी थी कि आपके प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना होगी, इस शांतवादियों में ऐसी घटनाएं होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है और किसकी सह उनके ऊपर है जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों के पास जो जिन इन तमंचों से फायरिंग हुई है, जो बेखौफ होकर इस देहरादून शहर में घूम रहे हैं, वो कौन है, कैसे यहाँ पर बसे हैं? हमने अखबारों के माध्यम से जब एड्रेस पढ़ा तो बिहार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तो क्या यहाँ के मूल निवासी जो है जो लगातार यहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं अनेकों मुद्दों पर, उनके खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र किसकी शह पर हो रहे हैं? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के जो यहाँ पर जो मांग उठ रही थी, जो बिल्डिंग कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो वहाँ बिना नक्शे के या इस तरीके से जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसको ध्वस्त करने में भी इतनी देरी क्यों हो रही है? आज यहाँ पर आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पूरा समाज, पूरा ये उत्तराखंड जो इस भूभाग के अंदर रह रहा है, जो इसकी सीमा है, उन लोगों को जागना होगा। और उन्हें जागना इसलिए होगा क्योंकि आज ये गोली भाई बटोला जी को लगी है, परंतु अगर इसी प्रकार का माहौल रहा, इसी प्रकार का वातावरण रहा, तो हम अपनों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आज एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, और एकजुट होकर इसलिए लड़ने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे आरोप में धारा 307 बॉबी पुहार पर लग जाती है, जो सड़क पर आराम से धरना कर रहे होते हैं, परंतु 302 उन पर नहीं लगती है जो वहाँ पर जो गोलीकांड में जो गोली मारकर जो हत्या कर देते उन पर नहीं लगती है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन का LIU इंटेलिजेंस यहाँ पर भी है, वो इस बात को गौर से सुन लीजिए कि ये बात प्रशासन तक पहुँचा दीजिए कि यदि अगर 302 धारा नहीं लगी है, तो अगर आज रात तक 302 धारा नहीं लगी, तो कल सुबह कहीं ना कहीं DM कार्यालय के बाहर हम खुद उपस्थित होकर, खुद ये समाज उपस्थित होकर आपको दिखाएगा, आईना दिखाएगा कि इस समाज में रहने वाले लोग कैसे दूसरे के साथ खड़े होकर दूसरे का सहयोग करते हैं। और जो प्रशासन आज उन सत्ताधीशों से डर रहा है, जिनके नीचे वो काम कर रहे हैं और जिनके पैरवी, जिनकी बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो घायलों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उन घायलों को ट्रीटमेंट ना मिलने के साथ साथ वो गरीब जिनके गोलियां लगी है, उनके जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो प्रशासन को वहन करना चाहिए था। अगर पुलिस केस है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर वहां पर 2 दिन से CT स्कैन नहीं हुआ है तो वो जिम्मेदारी पुलिस की है। मैं देहरादून के SSP अजय सिंह से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फोन लगा, आपके PA ने फोन उठाया, परंतु आपने बात नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर CT स्कैन नहीं हुआ है, आज रात को ये CT स्कैन भी होना चाहिए। और तमाम जो मांगे, जिन मांगों को लेकर 2 दिन से यहाँ पर हमारी मातृशक्ति बैठी है, युवा शक्ति बैठे हैं, समाज के वो लोग बैठे हैं जो समाज के लिए चिंता करते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल 19 तारीख को 10 बजे प्रातः जिला अधिकारी देहरादून कार्यालय में उपस्थित होकर विरोध प्रकट करें और अपनी जो हमारी बिंदुवार जो मांगे हैं, वो मांग धारा 302 लगाने को लेकर हो, वो मांग घायलों को उचित उपचार देने को लेकर हो, वो मांग उस आरोपी के बिल्डिंग को ध्वस्त करने को लेकर हो, या वो मांग इन घायलों को, मृतकों को उचित मुआवजा देने का हो, या वो घायलों को मुफ्त इलाज देने का हो, इन सारी मांगों पर कहीं ना कहीं जो वार्ता होगी कल DM से होगी। और कल 10 बजे आप सभी लोग देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचिए, वहीं पर ये वार्ता होगी। अगर जिलाधिकारी महोदया इस बात को कल तरीके से सुलझाती है और इस बात को मानती है और उन घायलों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, घायलों को जो तमाम मांगे हैं उन मांगों पर अमल करके, उन पर विचार करके, उन पर कार्रवाई करते हैं, तो ठीक है। अन्यथा ये टेंट यहाँ लगाकर फायदा नहीं है, ये टेंट DM कार्यालय के बाहर ही लगेगा और DM कार्यालय पर तब तक ताला जड़ा रहेगा जब तक इन मांगों पर पूरी तरीके से अमल होकर कार्रवाई ना हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।